हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कोठी, आपका गिटार गुरु, और स्वागत है आपका आज के हमारे गिटार क्लास के थर्ड लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पांच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिंगर एक्सरसाइजेस सीखी जो कि बिगिनर्स के लिए थी, तो दोस्तों एक चीज़ मैं उसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी फिंगर प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्लेइंग गिटार, जब आप गिटार बजाना शुरू करते हो, तो आपको शुरुआत से ही कोई भी चीज़ बजानी है तो उसको आपको एक बीट पर बजाना चाहिए। एक बीट का कॉन्सेप्ट आपका शुरुआत से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ऐप्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मेट्रोनोम के, ड्रम बीट्स के ऐप अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे और बाकी प्ले स्टोर्स पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर आप बीट के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के जो प्रॉब्लम आती है कि गाना बजाते वक्त हमें समझ में नहीं आता कि यार ये गाने के नोट्स तो मिल गए बट क्या बीट क्या चल रही है, कैसे उसके साथ में बजाना है। तो अगर आप बहुत अच्छा आपका सेंस नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप शुरुआत से मेट्रोनोम के साथ बजा रहे हैं तो बीट का प्रॉब्लम आपको क्लियर रहेगा। आप बीट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे चल के। तो ये मेरा सजेशन है कि आप बीट के साथ में, आप किसी मेट्रोनोम के साथ में प्रैक्टिस करें ताकि शुरुआत से आपको लय, जिसको हम रिदम कहते हैं, वो आपकी मेंटेन रहे, है ना। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बीट के साथ करके बताऊँगा जो इस तरह से है। तो दोस्तों जब भी हमें इसको बजाना है तो मेट्रोनोम के साथ बजाना है, और मेट्रोनोम में पहले चार बीट्स काउंट करनी है, देन उसके बाद शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। 2, 3, 4 आप देख रहे हैं मैं हर बीट के साथ में एक नोट बजा रहा हूं। क्लिक की हर आवाज के साथ एक नोट हम बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, हम क्लिक के साथ में बजा रहे थे, तो क्लिक के साथ में ये हुई हमारी पहली एक्सरसाइज। ऐसे ही हमें बाकी सारी एक्सरसाइजेस को भी एक एक बीट के साथ, एक एक क्लिक के साथ में एक एक नोट बजाने की प्रैक्टिस करनी है पहले शुरुआत से ही। देन हम आगे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, एक बीट में 2 नोट, एक बीट में 4 नोट आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियोज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और आइए चलते हैं आज के हमारे लेसन के टॉपिक की तरफ, जो कि है म्यूजिक नोटेशंस। म्यूजिक नोटेशंस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। तो म्यूज़िक की लैंग्वेज है म्यूज़िक नोटेशंस। अगर आप नोटेशन समझेंगे तो आपके लिए बजाना, समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपको अगले सेक्शन में लेके चल रहा हूँ म्यूज़िक नोटेशंस की तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे कि म्यूज़िक के कितने नोटेशंस होते हैं, कितने टाइप के नोटेशंस होते हैं, और किसको समझना कितना आसान है या नहीं है, ऑल दैट। तो दोस्तों म्यूज़िक नोटेशन क्या है, म्यूज़िक नोटेशन क्यों ज़रूरी है जानना। देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, हमें जब सीखना होता है तो हमें उसके अल्फ़ाबेट्स पता होने ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के लिए 1, 2, 3, 4 ज़रूरी है, हिंदी के लिए क ख ग घ ज़रूरी है, और इंग्लिश के लिए ABCD ज़रूरी है। तो वहीं से शुरुआत होती है, वैसे ही म्यूज़िक की भी एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जानने के लिए, समझने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स जानने होंगे, तो हमें म्यूज़िक नोटेशंस सीखना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक नोटेशंस, नोटेशंस में क्या आता है, जब भी हम सरगम की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो होती है सारेगामा पधनी। हम इंडियंस हैं, हमें क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल हमारा अपना जनर है, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो होता है सारेगामा पधनी। किसी से भी आप पूछो कि म्यूज़िक के बारे में क्या जानते हो आप, तो हिल से सारेगामा पधनी, 7 स्वर होते हैं और बहुत कुछ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वही सारेगामा पधनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक नोटेशंस के लिए। म्यूज़िक नोटेशंस कितने टाइप के होते हैं, म्यूज़िक नोटेशंस होते हैं 4 टाइप के। पहला इंडियन क्लासिकल, जो हमारे इंडिया में म्यूज़िक कॉलेजेस में सिखाया जाता है। दूसरा इंग्लिश म्यूज़िक नोटेशन,
जो क्योंकि हम गिटार बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनके लिए हमें नोट्स पता होना ज़रूरी है। जिन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में, उन्हें हम इंग्लिश में नोट्स कहते हैं। तो तीसरा है हमारा, तीसरी म्यूजिक नोटेशन सिस्टम हमारी स्टाफ म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, स्टाफ या स्टेव। हम इसे कैसे पहचानते हैं? पांच लाइंस होती हैं, आप देख रहे हैं, पांच लाइंस और डॉट्स से नोट्स को सिंबलाइज किया जाता है। ये बेसिकली एक सिंबल नोटेशन सिस्टम है, जहाँ पे डॉट्स से और अलग अलग साइंस से, सिंबल्स से म्यूजिक को डिनोट किया जाता है, म्यूजिक नोटेशंस को बताया जाता है। चौथा है हमारा स्पैनिश म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, जहाँ पे नोट्स के नाम, स्वरों के नाम अलग होते हैं, वो मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को समझने का, नोटेशंस को समझने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, जिसके बेसिक सात स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सेकेंड आता है हमारा वेस्टर्न म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश म्यूजिक नोटेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमारे जो स्वर हैं, जो नोट्स हैं, वो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो दोस्तों, तीसरा है हमारा म्यूजिक नोटेशन सिस्टम स्टाफ म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, जिसको हम स्टाफ नोटेशन भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके पांच लाइंस हैं, और इनमें सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू करते हुए पहला नोट है ई, फिर एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो दोस्तों, चौथा है हमारा स्पैनिश म्यूजिक नोटेशन सिस्टम, जिसमें नोट्स के नाम अलग हैं, नोट्स की पोजीशन सेम होती है, वो इस तरह से है डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। तो दोस्तों, ये थे हमारे चार टाइप्स ऑफ म्यूजिक नोटेशंस, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रचलन में हैं, दुनिया में चलते हैं। स्पेन में स्पेनिश नोट्स यूज होते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादातर लोग स्टाफ नोटेशन बजाना प्रेफर करते हैं, इंग्लिश नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश नोट्स, पियानो बजाना है, गिटार बजाना है, कीबोर्ड बजाना है, तो इन सब के लिए आपको इंग्लिश नोट्स पता होना ज़रूरी है। और इंडिया में हैं आप, तो सबसे बेस्ट जो म्यूज़िक की लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, वो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नोटेशन सिस्टम। तो दोस्तों, आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसमें मैं इन सारे नोटेशन सिस्टम्स को, बेसिकली इंडियन नोटेशन सिस्टम और वेस्टर्न, जिसको हम इंग्लिश नोटेशन सिस्टम कहते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके साथ में बजाना है। क्योंकि जब हम गिटार बजा रहे होते हैं, तो बजा तो हम रहे हैं सरगम ही, जो भी हम गाना बजा रहे हैं, जो कुछ भी हम बजा रहे हैं, वो सरगम ही है, वो नोट्स ही हैं। बट गिटार बजाने के लिए हमें इंग्लिश नोट्स मालूम होने ज़रूरी है, कहाँ पे कौन सा नोट है। तो दोस्तों, आइए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं, जहाँ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो जैसा कि हमने जाना, सात स्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक नोटेशंस के लिए, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सात स्वरों के अलावा भी कुछ स्वर होते हैं जो इस तरह से हैं। इनको आप देखिए, सबसे पहले है शुद्ध स्वर, जिन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं, ये है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। दूसरा है हमारा, जो इन्हीं के साथ में होते हैं, हमारे गिटार पे, कीबोर्ड पे, हर इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं, ये है पांच विकृत स्वर, रे, ग, म, ध, नी। इंडियन म्यूजिक नोटेशन सिस्टम में इनको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ देख रहे हैं, रे के नीचे एक हलंत है, संस्कृत का हलंत, ग के नीचे भी है, म के ऊपर एक तिलक है, एक बिंदी है, ध के नीचे भी एक हलंत है और नी के नीचे भी एक हलंत है। तो इन पांचों में से क्लासिफिकेशन होती है, तो दो अलग अलग तरीके के नोट्स इसमें निकलते हैं। एक है कोमल स्वर, कोमल स्वर में आता है आपका कोमल रे, रे जिसके नीचे हलंत है, जिन जिन स्वरों के नीचे हलंत हैं वो सारे कोमल स्वर हैं। रे कोमल हो जाता है, ग कोमल हो जाता है, ध कोमल हो जाता है और नी कोमल हो जाता है। और एक स्वर है तीव्र, ये तीव्र म हो जाता है, म तीव्र हो जाता है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, म तीव्र हो जाता है। चार कोमल स्वर होते हैं, रे, ग, ध, नी और एक म तीव्र हो जाता है। इनके अलावा दो स्वर होते हैं अचल स्वर, जिन्हें हम कहते हैं सा और प। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, अचल स्वर का मतलब है जो अपनी पोजीशन से न हिले, जो हमेशा अपनी जगह पे रहे। तो सा चूंकि हमारा रूट नोट है, जो हमारा पहला नोट है, उसी से हमारी शुरुआत होनी है, तो वो हमेशा अपनी जगह स्थिर होता है।
और प, क्योंकि प भी एक ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सात और पांच, यानी सात शुद्ध स्वर और पांच विकृत स्वर, ये मिला के हो गए टोटल 12 स्वर, जिनका एक सीक्वेंस अगर हम बनाएंगे तो वो इस तरह से है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे सेम होता है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ नोट्स इन एन ऑक्टेव। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहले हम एक काउंट रखते हैं जो कि इस तरह से है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 और 7। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो फुल डिजिट्स हैं उन पे हम रख देते हैं हमारे सारे स्वरों को, सातों स्वरों को। तो 1 पे होगा सा, 2 पे होगा रे, 3 पे है ग, 4 पे है म, 5 पे प, 6 पे ध और 7 पे नी। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि ये बीच के जो हाफ ऑफ नोट्स हैं, जो ये खाली हैं, तो यहीं पे हमारे वो जो विकृत स्वर हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे। तो 1.5 पे होगा कोमल रे, 2.5 पे होगा कोमल ग, 4.5 पे होगा तीव्र म, 5.5 पे होगा कोमल ध और 6.5 पे होगा कोमल नी। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा सीक्वेंस बन चुका है नोट्स का, जो सा से शुरू होकर के नी तक जाता है, और इसमें अब 12 नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 12 स्वर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनका क्रम है सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। दोस्तों ये थे हमारे इंडियन क्लासिक म्यूजिक नोटेशन सिस्टम का एक पूरा फॉर्मेट, जो आपको हर इंस्ट्रूमेंट पे सेम मिलता है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कोई भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट आप बजाएंगे, उस पे नोट्स का ये फॉर्मेशन आपको हर इंस्ट्रूमेंट पे सेम मिलेगा। बस उनकी बजाने की स्टाइल अलग होगी, उन पे हाथ चलाने का तरीका अलग हो सकता है, बट नोट्स का फॉर्मेशन हमेशा आपको सेम मिलेगा। हर बार सा के बगल में कोमल रे मिलेगा और उससे थोड़ा सा आगे शुद्ध रे मिलेगा, तो ये हर बार सेम होता है। एज इट इज़ ऐसे ही इंग्लिश नोटेशन सिस्टम में हम अगर सी को सपोज करते हैं, अगर हम सी को अपना पहला नोट मानते हैं, तो वहाँ से सात नोट्स क्या होंगे, ये हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो दोस्तों यहाँ पे सात नोट्स हो गए हमारे, और इनके अलावा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सी के बगल में है सी शार्प, सी शार्प, और आप देख पा रहे हैं वहीं पे लिखा है डी फ्लैट। तो एक ही नोट को दोस्तों हम दो नाम से जान सकते हैं, डी फ्लैट के नाम से भी और सी शार्प के नाम से भी, क्योंकि शार्प होता है ऊपर वाले नोट के लिए। जब पिच, साउंड की पिच जब ऊंची होती है किसी पर्टिकुलर नोट से, तो उस नोट को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए वहाँ पे एक शार्प का निशान लगाया जाता है। और सेम नोट जब किसी आगे वाले नोट से पीछे होता है वो, तो उसको पीछे शो करने के लिए हम फ्लैट का निशान यूज़ करते हैं। मतलब अगर शार्प है किसी नोट के ऊपर तो हमें उस नोट का शार्प नोट बजाना है, और अगर फ्लैट लिखा है किसी नोट पे तो हमें उस पर्टिकुलर नोट का लो नोट बजाना है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सी के बाद है सी शार्प, फिर है डी, फिर है डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प और बी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी सात शुद्ध स्वर हैं, जो कि प्लेन नोट्स हैं, जो सी डी ई एफ जी ए बी आप देख सकते हैं, और पांच इसमें भी विकृत स्वर हैं, जिन्हें हम विकृत स्वर कह सकते हैं या शार्प नोट्स कह सकते हैं, जो कि सी शार्प है, डी शार्प है, एफ शार्प है, जी शार्प है और ए शार्प है। इन्हें हम डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट और बी फ्लैट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सिमिलैरिटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों नोटेशन सिस्टम के बीच में। दोनों सेम है, बस नाम अलग है, देखने का तरीका अलग है। बहुत बच्चों को शुरुआत में दिक्कत होती है, बहुत सारे बिगनर्स को दिक्कत होती है कि सर ये क्या है, ये आधा इंग्लिश है फिर हिंदी है, दोनों एक साथ कैसे समझना है। तो
तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों नोटेशन सिस्टम्स को कंबाइन करके सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से समझना शुरू करेंगे म्यूज़िक को, म्यूज़िक नोटेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने पहले तो पिछले वीडियो का एक एडिशनल पार्ट कवर किया जो बहुत ज़रूरी था रिदम के साथ बजाना, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसके साथ प्रैक्टिस करिएगा। देन नेक्स्ट हमने म्यूज़िक नोटेशंस के चार टाइप्स ऑफ म्यूज़िक नोटेशन चार तरीके के हमने कवर किए, और जिसमें से मैंने इंडियन क्लासिकल और इंग्लिश नोटेशंस को आपको डिस्क्राइब करके समझाया अच्छे से। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये आज के वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है आप उसको ज़रूर पेन डाउन कर लें, क्योंकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस में ये एक लैंग्वेज है तो ये उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे आगे के वीडियोस में आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी क्लासिकल नोटेशन सिस्टम और इंग्लिश नोटेशन सिस्टम को कंबाइन करके समझना बताऊँगा। दोस्तों, ये बड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो में दिए गए सारी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, आपके पास पेन डाउन होना चाहिए ताकि आपको आगे और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, आप हमें आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं बहुत जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, हमें बहुत खुशी होगी। और बने रहे म्यूज़िक रूल के साथ, तब तक के लिए मैं यश कोठी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।